पहले तो जो आते हैं उनके लिए, फिर उनको जो भी जुड़ चुके हैं उनके साथ हम लोग शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आप लोग थर्ड सेमेस्टर में अब हैं, सेकेंड सेमेस्टर के लिए आप जो भी यूनिवर्सिटी उसके लिए डिसीजन लेगी, या तो एग्जाम होगा या मोट करेगी, लेकिन खैर आप थर्ड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं। थर्ड सेमेस्टर के जो करिकुलम है उसको हम लोग अब डिस्चार्ज कर रहे हैं। जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, स्क्रीन पर जो टाइटल आप देख रहे हैं, एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर, हम लोग आज इस पर चर्चा करेंगे और इससे जुड़ी हुई कई कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज पैरामीटर, व्हाट इज स्टैटिस्टिक, व्हाट इज स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, व्हाट इज कॉन्फिडेंस लेवल, ऑल दीज थिंग्स वी वुड बी डिस्कसिंग टुडे। एंड दिस इज द फर्स्ट यूनिट ऑफ द पार्ट विच हैज बीन असाइंड टू मी। तो हम लोग शुरू करें। ये फर्स्ट स्लाइड आपके सामने आ गया है। हेलो, सर स्क्रीन नहीं दिख रहा यस है। यस दिख रहा है सर, दिख रहा है, दिख रहा है सर, दिख रहा है ना? हेलो। यस सर। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बीच में बता दीजिएगा। ये जो आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटिस्टिक्स, ये फर्स्ट स्लाइड आपको दिख रहा होगा, यही स्लाइड दिख रहा है ना आपको, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटिस्टिक्स। यस हेलो। सर, यस सर, दिख यस रहा सर, दिख रहा है सर, हाँ, अब इसमें ये देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटिस्टिक्स यस क्या है, सर, पहले इसकी हम लोग दिख चर्चा रहा करें। है। हाँ ठीक है। केवल ये देखिएगा कि जो स्लाइड जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो स्लाइड अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं भी दिख रहा है तब भी आप हमको बताइएगा। तो लेट अस स्टार्ट विथ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटिस्टिक्स। स्टेटिस्टिक्स से आप क्या समझते हैं? अगर आप लोगों में से कोई इसको आंसर करना चाहे तो बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेटिस्टिक्स? इनको ज्वाइन नहीं कर रहे थे थोड़ा। देखिए, जैसा कि आप स्लाइड पर देख रहे हैं, एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स एक टेक्निक है। इट इज ए टेक्निक और प्रोसेस थ्रू विच वी कुड गैदर डेटा, ऑर्गेनाइज डेटा, एनालाइज डेटा एंड इंटरप्रेट क्वांटिटेटिव डेटा। तो दिस टेक्निक और प्रोसेस विच हेल्प्स इन गैदरिंग डेटा, ऑर्गेनाइजिंग डेटा, एनालाइजिंग डेटा एंड इंटरप्रेटिंग क्वांटिटेटिव डेटा, दैट इज कॉल्ड स्टेटिस्टिक्स। इसमें आप देख रहे हैं कि स्टेटिस्टिक्स हमको क्वांटिटेटिव डेटा को कलेक्ट करने, उसको ऑर्गेनाइज करने, उसको एनालाइज करने और उसको इंटरप्रीट, उसकी व्याख्या करने में मदद करता है। और आप जानते हैं कि इट इज अ बेसिक टूल ऑफ मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन एंड रिसर्च। कभी कभी हम लोग न्यूमेरिकल डेटा को जो गैदर करते हैं, जमा करते हैं, उसको भी हम लोग कभी स्टेटिस्टिक्स के रूप में डिफाइन करते हैं। दैट इज कॉल्ड स्टेटिस्टिक्स, द न्यूमेरिकल डेटा गैदर्ड। जो डेटा आपके पास आ गया है वो भी स्टेटिस्टिक्स का पार्ट है। लास्ट इसमें पॉइंट देखिए, इट डिस्क्राइब्स ग्रुप बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्टेंड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन ऑफ ए नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन विच दे लीड मे लीड टू जनरलाइजेशंस। आप जानते हैं कि डेटा कहाँ से आता है, जाहिर है कि किसी ग्रुप से, जो किसी का ग्रुप बिहेवियर है, मान लीजिए कि किसी ग्रुप में 20 इंडिविजुअल्स हैं,
तो अगर आपके आपके 200 सैंपल्स है तो जाहिर है कि उसका आप उसमें जो उसका उसके उसके करेक्टरिस्टिक्स को न्यूमेरिकली मेजर करके जो डेटा हमको मिलता है दैट इज स्टैटिस्टिकल डेटा। मान लीजिए आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन के दौरान आपको मालूम है कि क्लासरूम में कितने सवाल पूछे गए, मान लीजिए 4 क्वेश्चंस वेर आस्क्ड, कितने लोगों ने रिप्लाई किया। मान लीजिए हम क्लासरूम इंटरेक्शन पर स्टडी कर रहे हैं तो क्लासरूम स्टडी क्लासरूम इंटरेक्शन हम देख रहे हैं, सपोज स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन ए क्लासरूम एंड ए टीचर इज टीचिंग, सपोज इफ यू वांटेड टू काउंट हाउ मेनी क्वेश्चंस वर आस्क्ड, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आंसर्ड दोज क्वेश्चंस, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर शिफ्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल स्टूडेंट्स टू अदर स्टूडेंट्स, थिंग्स लाइक दैट। तो ये गिनती जो है ये क्वांटिटेटिव डेटा है, उस क्वांटिटेटिव डेटा के आधार पर हम उस क्लासरूम इंटरेक्शन को मेजर कर सकते हैं कि क्लासरूम इंटरेक्शन जो है इफेक्टिव है, इंटरेक्टिव है, नहीं है। तो ये क्वांटिटेटिव डेटा जो है ये डेटा भी स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। लेकिन अगर हम ये जानना चाहें कि क्लासरूम इंटरेक्शन इंटरेक्शन व्हाई इट इज इफेक्टिव, तो इसका जवाब जो है स्टैटिस्टिक्स में मिलना संभव नहीं है, न्यूमेरिकल डेटा से ये नहीं आएगा। उसके लिए फिर आपको क्वेश्चनर से इंटरव्यू में व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई आर यू नॉट आंसरिंग, व्हाई आर यू आंसरिंग, ऐसे सवाल पूछने पड़ेंगे। तो इसलिए स्टैटिस्टिकल डेटा जो है या स्टैटिस्टिक्स जो है वो जो दैट इज अ टेक्निक और प्रोसेस दैट हेल्प्स इन गैदरिंग ऑर्गेनाइजिंग एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग क्वांटिटेटिव डेटा। और हम कह सकते हैं एकदम संक्षेप में कि स्टैटिस्टिक्स डील्स विथ क्वांटिटेटिव डेटा। अब दो और टर्म है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक है स्टैटिस्टिक और दूसरा है पैरामीटर। इसको भी समझ लेना चाहिए कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक एंड व्हाट इज पैरामीटर, क्योंकि आप अक्सर क्योंकि यू आर नॉट न्यू टू मैथडोलॉजी, आपने 2 सेमेस्टर के दौरान मैथडोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास है, यू नो समथिंग ऑफ रिसर्च मैथडोलॉजी, आपने स्टैटिस्टिक्स भी किया है, पैरामीटर वर्ड से वर्ड भी आपके सामने अक्सर आता है, स्टैटिस्टिक वर्ड भी आपके सामने आता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इसके कॉन्सेप्ट से हम वाकिफ नहीं है या क्लैरिटी नहीं है, इसीलिए इस यूनिट के स्टार्ट में ही इन सारे टर्म्स को रखा गया है ताकि कि अब आगे हम लोग क्वांटिटेटिव पर ढेर सारी चर्चाएं करेंगे तो आप और हम क्लियर रहें कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक, व्हाट इज पैरामीटर। अब इसमें देखिए इट इज ऑल एविडेंट, यू कैन गो थ्रू दिस स्लाइड। स्टैटिक का लेना देना किससे है आप जानते हैं? स्टैटिस्टिक का लेना देना किससे है और पैरामीटर का किससे लेना देना है? न्यूमेरिकल वैल्यू को मेजर करता स्टैटिस्टिक्स। हाँ, लेकिन स्टैटिस्टिक और पैरामीटर को जब हम कंपेयर करेंगे तो एक सवाल उठता है कि ये स्टैटिस्टिक्स के साथ जो है स्टैटिस्टिक किसको रिप्रेजेंट करता है या इसका किससे लेना देना है? इट इज अबाउट 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 व्हाट स्टैटिस्टिक इज मैथमेटिकल एनालिसिस क्वांटिटेटिव। स्टैटिस्टिक इज अबाउट सैंपल एंड पैरामीटर इज अबाउट पॉपुलेशन। आप जानते हैं कि रिसर्च में आप सैंपल लेते हैं और सैंपल कहाँ से लेते हैं? विड्रॉ सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन का लेना देना पैरामीटर है, पैरामीटर इज कनेक्टेड विथ पॉपुलेशन एंड स्टैटिस्टिक इज कनेक्टेड विथ सैंपल। देखिए स्टैटिस्टिक को जो डिफाइन हम करेंगे एक न्यूमेरिकल वैल्यू है विच इज ऑब्टेन फ्रॉम ए सैंपल ऑफ डेटा, ठीक है? फ्रॉम वेयर वी ऑब्टेन स्टैटिस्टिक फ्रॉम सैंपल और इट इज ए स्टैटिस्टिकल मेजर एंड फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन बिकॉज व्हेन वी वर्क विद अ सैंपल ऑब्जर्व एंड कलेक्ट डेटा दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक।
So the numerical value obtained from sample is called statistic. और आप जानते हैं कि स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? पॉपुलेशन को एस्टिमेट करने के लिए. पॉपुलेशन का एस्टिमेशन हम किसके थ्रू करते हैं? सैंपल के थ्रू करते हैं ना. ये तो आपको पता है ना. पॉपुलेशन के बारे में कोई डिसीजन आप किसके थ्रू देते हैं? सैंपल के थ्रू लेते हैं. A sample is supposed to represent the population. So, statistic is to estimate a particular population parameter. मान लीजिए किसी population के parameter को अगर estimate करना है, तो पूरे population पर हम काम नहीं कर सकते. It is not possible. तो population से हम sample draw करते हैं, और उसके आधार पर हम estimate करते हैं कि population में 80% people are like this or like that. Suppose हम कहते हैं 80% 20% teachers are taking online classes in Mufassil colleges. It, whereas in Patna University, 80% teachers use online devices to take classes. तो इस ढंग का जो हम जो estimate करते हैं about a population, वो एस्टिमेशन किसके थ्रू होता है? दैट इज थ्रू सैंपल. तो सैंपल और स्टैटिस्टिक दैट इज कनेक्टेड टू ईच अदर. द न्यूमेरिकल डेटा वी हैव ऑब्टेन फ्रॉम अ सैंपल, दैट न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक. इसमें लास्ट पॉइंट को देखिए. फिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन इज टर्म्ड एज पैरामीटर. अगर हम पैरामीटर के सभी एलिमेंट से डेटा कलेक्ट करें, या कहिए कि अगर पॉपुलेशन का, देखिए सैंपल के थ्रू हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक का एस्टिमेशन करते हैं, लेकिन अगर हम पॉपुलेशन एज ए होल लें तो वो फिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक होगा. सैंपल के अगर हम हमारे डिफरेंट सैंपल्स हैं तो उसमें जो हमारा एस्टिमेशन आएगा उसमें थोड़े बहुत अंतर हो सकते हैं. आगे हम देखेंगे इसको. अगर हमने 5 सैंपल लिया है तो 5 सैंपल के जो वैल्यू होंगे, अगर उसमें कोई मीन है हमारे पास, तो ये पांचों एक जैसे नहीं होंगे. पांचों में कुछ ना कुछ अंतर होगा. एक वन इज 70.1, अनदर में भी 70.3. ऑल्दो जो पॉपुलेशन का मीन है उसी के आसपास होगा, लेकिन ये आइडेंटिकल नहीं होगा, क्योंकि सैंपल का जो सैंपल के थ्रू जो हम पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक जानते हैं, दैट इज एन एस्टिमेशन. वो एस्टिमेट है, और एस्टिमेट है इसलिए सारे सैंपल्स के जो जो एस्टिमेशन है वो उसमें थोड़े बहुत अंतर हो सकते हैं और होते हैं. दैट कैनॉट बी आइडेंटिकल. लेकिन पॉपुलेशन का फिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वी कैन नो द फिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पॉपुलेशन बेस्ड ऑन ऑल एलिमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन. जैसे हम सेंसस करते हैं, सेंसस में वो कंसिडर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल. तो जाहिर है कि हमको एग्जैक्ट इंडिया का एग्जैक्ट जो है कि वो पॉपुलेशन पता चल जाता है कि इट इज 1.3 बिलियन और 1.31 बिलियन और 1.34 बिलियन. एग्जैक्ट जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक पता चलता है. इसलिए ये बात आपको याद रखना चाहिए कि पॉपुलेशन इतना बड़ा होता है कि नॉर्मली वी कैन नॉट वर्क ऑन पॉपुलेशन. समटाइम्स पॉपुलेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दैट इज अगर पॉपुलेशन बड़ा है तो दैट कैरेक्टरिस्टिक्स को हम नहीं जान पाते हैं. तो इसी के लिए कि पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सैंपल लेते हैं, एंड यू नो द वेरियस टेक्निक्स ऑफ सैंपल्स. और आगे भी आप एडवांस्ड मेथडोलॉजी में या फिर और कहीं पढ़ेंगे कि सैंपलिंग के कई तरीके हैं, और सिचुएशन पर अगर हमारा पॉपुलेशन नॉर्मल है या पॉपुलेशन नॉर्मल नहीं है, उसके आधार पर हम कई तरह के हमारे पास सैंपलिंग टेक्निक्स हैं. अगर मान लीजिए कि जू का एग्जांपल है, या कोई साइंस सेंटर. अब साइंस सेंटर को जो लोग विजिट करते हैं वो तो हमको मालूम नहीं कौन विजिट करेगा. हु विल विजिट द सेंटर, इट इज नॉट
नॉन टू द रिसर्चर, क्योंकि वहां पर लोग जो ना तो पर्पस स्पेसिफाई है, वहां पर जो लोग जाते हैं, मान लीजिए सम पीपल सम सपोज कि स्कूल विजिट करा रहा है स्टूडेंट्स को टू ऑब्जर्व वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स केप्ट ओवर देयर, और वहां पर बहुत सारे गैलरीज लगे होते हैं, उसमें साइंस के एग्जीबिशंस होते हैं, वो देखने जाता है। कुछ लोग एंजॉय करने भी जाते हैं, चलो गांधी मैदान भी देख लेंगे और साइंस सेंटर भी देख लेंगे, उसका बिल्डिंग आर्किटेक्चर, या कभी पता चलता है साइंस सेंटर में एक नया कोई मिसाइल ला करके रखा गया है, उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं। देयर मे बी डिफरेंट पर्पसेस। अब वहां आज जो आएगा कल नहीं आएगा, तो वहां जो सैंपलिंग का टेक्निक होगा वो अलग होगा। वेयर एज अगर स्कूल्स के किसी कक्षा में हम सैंपलिंग कर रहे हैं, या किसी स्कूल के बच्चों का सैंपलिंग कर रहे हैं, या किसी यूनिवर्सिटी के टीचर्स का सैंपल कर रहे हैं, तो दैट वुड बी डिफरेंट। तो आप जानते हैं कि अगर पॉपुलेशन के आधार पर कैसा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का नेचर कैसा है, उसके आधार पर हम करते हैं। अगर पॉपुलेशन स्टेटा में बटा हुआ है उसके आधार पर हम करते हैं, तो जाहिर है कि सैंपलिंग के थ्रू हम काम करते हैं, सैंपल के थ्रू हम काम करते हैं, एंड वी ट्राई वी ड्रॉ सैंपल इन सच ए वे कि दैट कुड रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम सैंपल के थ्रू एस्टिमेट करते हैं। इसलिए दैट इज दैट नॉट मे बी द एग्जैक्ट, क्योंकि कभी कभी सैंपल का, क्योंकि सैंपल का मीन हमको पता ही नहीं है। लोग कहते हैं कि पॉपुलेशन का मीन जो है दैट इज ओनली गॉड नोज द पॉपुलेशन मीन। तो ये सैंपल और स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक एंड पैरामीटर, ये तीनों टर्म का डिफरेंस आपको आपको मालूम हो गया। और इसमें और कुछ पॉइंट्स और हैं, आप ये देख लीजिए। Statistic is a characteristic of a sample of a small part of population, that is sample. And parameter is a fixed measure which describes the target population. Parameter is related to population. And if we get some population ke kisi characteristics ka value agar hum jante hain, that would be fixed. Kyunki hum sabon ko consider humne kiya hai. Lekin research mein hum population ke bajaye hum sample ko consider karte hain. Statistic is a variable and known number which depend on the sample of the population. And parameter, whereas parameter is a fixed and unknown numerical value. Population ke characteristics ko hum nahi jaan paate, kyunki population bahut bada hota, matlab India par hum work kar rahe hain, to India ke population ka characteristics janna sambhav nahi. Ab thoda aur aage chale. अब हम लोग सैंपलिंग एरर की चर्चा करेंगे। ये नाम आपने सुना है, सुना या नहीं सुना है? यस सर। हेलो। यस सर, सुनिए सर। थोड़ी देर सर सुनिए। हाँ, जहाँ जवाब देने का समय आए वहां पर अपना जो है वो अनम्यूट करके आप जवाब देके फिर म्यूट कर लें। देखिए, सैंपलिंग एरर को आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर नॉर्मल पॉपुलेशन के जो फीचर्स हैं या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी अगर आप जानते हैं, तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड सैंपलिंग एरर। देखिए, आप जानते हैं एक ही पॉपुलेशन से आप 10 सैंपल ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए देयर इज ए पॉपुलेशन ऑफ 10,000 स्टूडेंट्स और 2,000 टीचर्स और इवन 1,000 टीचर्स। नाउ you can draw many samples from a same population. अगर मान लीजिए 10 researcher काम कर रहे हैं, तो उसी population से 10 लोग sample draw करेंगे, और सभी sample का जो mean होगा, mean weight, mean तो किसी 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 term में होगा ना। मान लीजिए कि आपने कोई achievement test लिया है बच्चों का, मान लीजिए स्कूल के स्टूडेंट्स का अचीवमेंट टेस्ट के बारे में आप काम कर रहे हैं। किसी स्कूल में मान लीजिए कि आप सेकेंडरी स्टूडेंट्स पर काम कर रहे हैं, मान लीजिए उस स्कूल में, या फिर उस ढंग के स्कूल्स में, मान लीजिए पटना के पब्लिक या प्राइवेट स्कूल्स पर काम कर रहे हैं, या दोनों पर आप काम कर रहे हैं, दोनों को कंपेरिजन कर रहे हैं किसी टर्म में। मान लीजिए कि जो सेकेंडरी स्टूडेंट्स हैं पटना में, पटना अर्बन में,
उसको आपने डिफाइन कर लिया है कि सपोज पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का एरिया। अब वहां पर मान लीजिए कि सेकेंडरी स्टूडेंट्स की संख्या फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 10,000, आपने 1,000 का सैंपल लिया है या और कम कर दीजिए तो समझने में ज्यादा आसानी होगी। मान लीजिए कि सेकेंडरी स्टूडेंट की संख्या 1,000 है, आपने उसमें से 100 या 200 का सैंपल लिया है। अब मान लीजिए 10 लोग काम कर रहे हैं उसी प्रॉब्लम पर, तो 10 सैंपल्स ड्रॉ कर सकते हैं उसी पॉपुलेशन से, उसी तरीके से जिस तरीके से आपने किया है। आपने अगर रेंडमली किया है तो रेंडमली या रेंडम मेथड से 10 सैंपल को ड्रॉ किया गया, आप मान लीजिए, या आपने ही मान लीजिए 10 सैंपल ड्रॉ किया। अब ये जो 10 सैंपल आप ड्रॉ करेंगे, इनका जो अचीवमेंट आएगा या किसी पैरामीटर पर या किसी वेरिएबल पर जो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अचीवमेंट, तो ये 10 ग्रुप का जो अचीवमेंट का मीन होगा ये एकदम आइडेंटिकल नहीं होगा। अगर एक सैंपल का मीन जो है अचीवमेंट मीन मान लीजिए 60.2 है, तो दूसरे ग्रुप का द मीन ऑफ द नेक्स्ट ग्रुप मे बी 60.8 और 59.2। थर्ड आपने जो ग्रुप लिया है, थर्ड जो सैंपल आपका है उसका हो सकता है 58.7 हो। तो ये जितने भी सैंपल्स आपने ड्रॉ किए हैं, दीज आर ऑल सैंपल्स वर ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन, और आप जानते हैं कि सैंपल रिप्रेजेंट्स द पॉपुलेशन, इट मींस ऑल द 10 सैंपल्स having the capacity to represent that population from which it has been drawn. जिस population से आपने sample draw किया है, ये सारे samples उस population को represent करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि सारे samples में अलग अलग individuals होंगे, क्योंकि randomly जब आप मान लीजिए 100 या 200 samples ले रहे हैं, वो इसमें जो 100 individual है दूसरे sample में हो सकता है 10 नए हो या 50 नए हो, फिर तीसरा चौथा, सभी में एकदम वही इंडिविजुअल नहीं है, सभी में इंडिविजुअल्स जो है वो अलग अलग है, लेकिन सभी सैंपल को, लेकिन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने का मादा ताकत सबों में है। ऑल द सैंपल्स आर सपोज टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। ये बात आपको क्लियर है? इतनी बात आप समझ रहे हैं जो हम कह रहे हैं कि एक ही पॉपुलेशन से आप अब सारे लोग सुन लीजिए, एक ही पॉपुलेशन से हमने 10 सैंपल ड्रॉ किया। अब पॉपुलेशन हमारा क्या था? पटना के सेकेंडरी स्कूल्स में पढ़ने वाले हमारे स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन की संख्या कितनी थी? पॉपुलेशन हमारा 1,000 का है हमने मान लिया है, उसमें से हमने 100 का सैंपल ड्रॉ किया है। 100 का जो सैंपल ड्रॉ किया, लेकिन एक नहीं 10 सैंपल ड्रॉ किया है। अब ये 10 सैंपल जो है, 10 सैंपल का अचीवमेंट मीन जो है वो आइडेंटिकल नहीं होगा, उसमें थोड़े अंतर होंगे। लेकिन यहां पर ये बात है, ये सारे सैंपल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, इन स्पाइट ऑफ दैट सभी के मींस जो है वो उसमें थोड़े बहुत अंतर है। लेकिन ये बात तय है कि पॉपुलेशन मीन के इर्द गिर्द ही ये सारे हैं। पॉपुलेशन का जो मीन होगा जो हमें पता नहीं है, उसी पॉपुलेशन मीन के इर्द गिर्द सारे सैंपल्स के मीन आइडेंटिकल नहीं है, बट दे आर नियर अबाउट द मीन ऑफ द पॉपुलेशन, लेकिन वो पॉपुलेशन मीन के आसपास ही है। फिर ये सवाल खड़ा होता है कि अंतर क्यों? ये जो वेरिएशन है, ये वेरिएशन क्यों है? हमारे जो सैंपल के जो जो मीन जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें कुछ रिलेटिवली हाई होंगे, फ्यू रिलेटिवली लो होंगे, बट मोस्ट वुड क्लस्टर अराउंड द पॉपुलेशन, लेकिन सभी पॉपुलेशन मीन के इर्द गिर्द ही फैले होंगे, उससे ज्यादा फैलाव नहीं होगा। तो ऐसा क्यों होता है कि सारे सैंपल के मीन्स आइडेंटिकल नहीं है, जबकि सैंपल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है? ऐसा इसलिए है कि सैंपल जो है पॉपुलेशन का एस्टिमेशन करता है। ये इसका फिक्स्ड या ट्रू वैल्यू नहीं है कि एकदम से, मतलब जैसे हर पॉपुलेशन, हर इंडिविजुअल के पॉपुलेशन को अगर हम लेंगे तो हमको एग्जैक्ट मीन निकल जाएगा। जो पॉपुलेशन का मीन, अगर 1,000 लोगों का हम लेकर के उसका अचीवमेंट लेकर के उसके मीन को हम निकालें,
तो वो हमारा फिक्स्ड वैल्यू होगा, लेकिन हमने जो सैंपल लिया है वो भी उसी के आसपास होगा, क्योंकि सैंपल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये अंतर क्यों है? ये जो अंतर है, दिस इज ड्यू टू सैंपलिंग एरर, इसी को सैंपलिंग एरर कहते हैं। When you draw many samples from the same population, these sample weights, या mean weight of the sample, that differ. Although most would cluster around the population, वो अंतर है उसमें, लेकिन सभी population mean के इर्द गिर्द हैं, या कह सकते हैं सभी एक दूसरे के आसपास ही होंगे। तो ये जो अंतर आ रहा है, the difference, although it is a little difference, but the difference you are observing, that is due to sampling error. एक mean और दूसरे mean के बीच में जो अंतर आप देख रहे हैं, एक mean का जो weight है, एक sample के mean का जो weight है, दूसरे sample के mean का जो weight है, दोनों का जो mean है, mean में जो अंतर देख रहे हैं, वो अंतर sampling error के कारण है। I hope this is clear to you. ये sampling error क्या है? दो mean का जो value है, उसके बीच में जो अंतर है, अगर दोनों mean, sorry, दो sample का जो mean value है, उसके बीच में जो अंतर आ रहा है, वो sampling error के चलते आ रहा है। अगर दो samples एक ही population से draw किए जाए, और दोनों sample के mean में कुछ अंतर जरूर होगा, identical नहीं होगा। ये जो अंतर आ रहा है, एक अगर 60.1 आ रहा है, दूसरा 60.8 आ रहा है, तो ये जो अंतर आया, ये डिफरेंस जो है, दिस इज ड्यू टू सैंपलिंग एरर। नाउ आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। यस सर, यस सर। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो आप सवाल पूछ सकते हैं इस स्टेज पर, तब हम लोग आगे चलेंगे। सैंपलिंग एरर, सर सैंपलिंग एरर को पूरी तरह से रिमूव नहीं किया जा सकता है ना? वो आगे हम चर्चा करेंगे, अभी हम ये कह रहे हैं सैंपलिंग एरर का कॉन्सेप्ट आप समझ गए क्या है सैंपलिंग एरर। यस सर, यस सर, समझ गए। चलिए अब आगे हम लोग और चर्चा करते हैं, अभी और भी बातचीत होगी तो आप समझ जाएंगे। अब देखिए, मीन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहले उस पर चर्चा करेंगे, फिर हम देखेंगे कि सैंपल जो आप कह रहे हैं। अच्छा, एक चीज तो हमने छोड़ी दिया, ये जो सैंपलिंग एरर है, इसके बारे में एक चीज जानना जरूरी है कि सैंपलिंग एरर इज नॉट ए मिस्टेक और फॉल्ट। सैंपलिंग एरर कोई मिस्टेक नहीं है, ये सैंपलिंग प्रोसेस का हिस्सा है, क्योंकि सैंपल, जब दो सैंपल लेंगे, दोनों सैंपल में इंडिविजुअल्स आइडेंटिकल, सेम इंडिविजुअल्स नहीं होंगे, इंडिविजुअल्स बदल जाएंगे, तो जाहिर है कि उसका जो वैल्यू आएगा उसमें थोड़ा अंतर आएगा। लेकिन दोनों सैंपल पॉपुलेशन से ड्रॉ किए गए हैं और दोनों सैंपल है, दोनों पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए दोनों का जो मीन वैल्यू होगा वो पॉपुलेशन मीन के इर्द गिर्द ही होगा, इसलिए ये दोनों आसपास ही होंगे। इसलिए ये सैंपलिंग एरर इज नॉट ए मिस्टेक और फॉल्ट। इट डज नॉट सजेस्ट दैट कि यू हैव डन एनी मिस्टेक इन योर सैंपलिंग प्रोसेस, बट इट मियरली डिस्क्राइब्स चांस वेरिएशंस। ये चांस जो है, सैंपलिंग जब आप करते हैं उसमें जो चांस वेरिएशन का जो चांस है, इसमें हम चुने गए, उसमें दूसरा चुना गया, तो ये जो चांस वेरिएशन है, क्योंकि दो सैंपल जब लेंगे तो इंडिविजुअल तो दोनों में एक होंगे नहीं। सर का वॉइस नहीं आ रहा। सर नेटवर्क है, हमको लगा मेरा ही नेटवर्क खराब है। हो रहा है, बहुत नेटवर्क खराब है यहाँ।
नेटवर्क खराब है बहुत। अच्छा थोड़ी देर हम लोग इंतजार कर लेते हैं। हाँ सर तो आएंगे ही ना, वेट करते। सर से पूछो ना कनेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। श्रुति है क्लास में? हाँ बोल बोलिए ना। हाँ श्रुति को पूछो ना सर से। श्रुति पूछ रहा है, रुको रुको। सर अभी बहुत अच्छा बता रहे हैं, पिछले बार जो वो था सोशलाइजेशन वाला किसी को समझ में आया था? है कि नेटवर्क का भी थोड़ा प्रॉब्लम था, क्लियर आवाज ही नहीं आ रही थी हमको तो। पहले स्क्रीन ही नहीं दिख रहा था, यहाँ नेटवर्क बहुत खराब है। नहीं होना, नहीं होना। क्या पटना में होना रश्मि? नहीं नहीं पटना में नहीं है, घर पे। हमको लगता है सर का कनेक्शन नहीं हो रहा होगा। अच्छा ठीक, 2 मिनट रुको ना। हाँ ठीक है।
सर अभी आ गए थे फिर लेफ्ट हो गए। कनेक्शन प्रॉब्लम आज नेटवर्क इशू बहुत हो रहा है। सर रिकनेक्ट कर रहे हैं इसलिए वेट करो। जी वेट कर रहे हैं। हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। हेलो हेलो। यस सर। यस सर। सर आवाज को कर रहे हैं। हेलो हेलो। सर आ रही आवाज आ रही। आवाज आ रही है सर। हेलो हेलो। सर आवाज आ रही है आपकी। हेलो हेलो। मैसेज कर मैसेज कर। हेलो हाँ हेलो हेलो सर आवाज आ रही है। हेलो आवाज आ रही है सर। हेलो। हाँ सर। हाँ ठीक है सर। हेडफोन नहीं लगाए हुए थे। हाँ नहीं हम तो चले गए उसको दूसरा राउटर का इंतजाम करने। जाहिर है कि वो आपका जो है। हाँ चलिए ठीक है।
अभी हम लोग ये आप देखिएगा स्लाइड को हम दिखा रहे हैं कि कहां पर हम थे, तब फिर जो है कि आगे हम चर्चा करेंगे कहां तक आपने, क्योंकि हम तो बोलते जा रहे हैं। हाँ एक मिनट हम हमको ऐसा लग रहा था कि हमको जब लगने लगा है कोई रिस्पांस नहीं है तो शायद लगा कुछ प्रॉब्लम है। ये देखिए आपको हमने सैंपलिंग एरर इसकी चर्चा तो हमने कर ली थी। यस सर हो गई थी। ये जो हम बात कर रहे थे कि एक मीन से अगर कई सैंपल निकालेंगे उसके डिस्ट्रीब्यूशन, ये बात हुई थी। हेलो यस सर डिस्ट्रीब्यूशन की बात हमने किया था सैंपल मीन्स के डिस्ट्रीब्यूशन का। नो सर नो सर नो सर चलिए ये तो बात हमने किया था ना कि सैंपलिंग एरर जो है कि वो कोई मिस्टेक नहीं है। यस सर यस सर ये बात है। हां चलिए तब हम अब देखते हैं। सर लास्ट नहीं बताए थे। हां ठीक है ये सैंपल मीन्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये देखिए एक एक किसी एक पॉपुलेशन से आपने ढेर सारा मीन्स निकाला है तो ये मीन्स जानते हैं ये भी एक वैल्यू है। तो अगर मान लीजिए किसी पॉपुलेशन से आपने 10 मीन निकाला तो ये 10 मीन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा जिस तरह स्कोर का डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ा है, जैसे कि आप नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में देखते हैं स्कोर का डिस्ट्रीब्यूशन कि 68% केसेस जो है वो 1 सिग्मा प्लस माइनस के बीच में आएंगे, 95% केसेस जो है 2 प्लस माइनस के बीच में आएगा सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन के बीच में आएगा, तो वो जो आप देखते हैं लगभग उसी तरह हम लोग यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उसी तरह जो है सैंपल के मीन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दोनों में कोई अंतर नहीं। आप कह सकते हैं कि सैंपल मीन्स विल बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर एक पॉपुलेशन से हमने 50 सैंपल्स ड्रॉ किया है ये सैंपल्स का जो मीन होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होगा। दूसरा है कि मीन वैल्यू ऑफ सैंपल मीन्स, अगर सभी मीन जितने भी मीन हैं अगर हमारे पास 20 मीन्स हैं तो उसका फिर से हम मीन निकाल लें तो मीन वैल्यू ऑफ सैंपल मीन्स, सैंपल में जो हमारे सैंपल के जो मीन्स आए हैं मान लीजिए किसी का वैल्यू 60.8 है, किसी का 60.9 है, किसी का 61.1 है, किसी का 58.9 है, तो ये जो डिफरेंट सैंपल के जो मीन्स हैं इसका फिर से मीन निकाल लीजिए। अगर 10 सैंपल है तो 10 के मीन्स को ऐड करके 10 से डिवाइड देंगे तो सैंपल मीन जो निकलेगा मीन ऑफ सैंपल मीन्स वो पॉपुलेशन मीन के बराबर होगा। वैसे पहले मैंने आपको बताया कि जो सैंपल का मीन है दैट इज क्लस्टर्ड अराउंड द पॉपुलेशन मीन, वो पॉपुलेशन मीन के आसपास ही होता है, लेकिन सभी सैंपल के मीन्स का दोबारा से मीन निकालेंगे तो जाहिर है कि वो पॉपुलेशन मीन के बराबर होगा, टेक्निकली बराबर होगा लेकिन प्रैक्टिकली वहां भी थोड़ा सा डिफरेंस होगा, एकदम उसके पास हो सकता है लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं होगा। ठीक है ओके हेलो यस यस सर कुछ लोग वेटिंग में मैसेज आ रहा सर। हाँ हम देख रहे हैं असल है कि एक ही है वेटिंग। हाँ अब चलिए अब ये जो आप स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में जानते हैं कि स्कोर्स का स्टैंडर्ड डिविएशन आपने कैलकुलेट भी किया होगा और आप जानते हैं कि अगर जो मीन है अगर आप जैसे ये डायग्राम देखते हैं फिलहाल इस डायग्राम को देखिए जैसे ये डॉटेड लाइन वाला देखिए आप नहीं आप ये देखिए जो डॉटेड नहीं है ये मान लीजिए कि स्कोर 144 से लेके 216 तक है स्कोर है ये और मीन जो है 180 है बीच में मीन दिख रहा है ना आपको। हेलो यस सर यस सर यस सर ये जो आपको दिख रहा है 180 मीन देखिए ये इधर 92 है ये एक स्टैंडर्ड डिविएशन दूर है। स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू कितना है 12 स्कोर 180 है स्टैंडर्ड डिविएशन 12 है स्कोर का डिस्ट्रीब्यूशन की बात हम कर रहे हैं ना कि सैंपल मीन्स की।
तो ये देखिए, ये वन डिविएशन प्लस वन डिविएशन माइनस, मतलब 192 इधर 168, तो 68% केसेस इसी के बीच में होते हैं। जितने भी हमारे स्कोर्स हैं वो स्कोर्स 168 से 192 के बीच में होगा, इसीलिए इसको कहते हैं वन डिविएशन प्लस माइनस के बीच में। वन डिविएशन प्लस मींस 180, स्टैंडर्ड डिविएशन 12 है उसमें प्लस कर दीजिए 192 हो गया, और ये 180 है इसमें माइनस कर दीजिए 12 तो 168 हो गया। तो दिस 168 टू 192 ये जो रेंज है इसके बीच में आपके जितने भी स्कोर्स हैं उसका 68% स्कोर्स इसी के बीच में फॉल करेगा। उसी तरह 2 प्लस माइनस, दो स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स 24, 80 प्लस 24 204, 80 माइनस 24 156, तो इसके बीच में 156 से लेके 204 के बीच में 95% केसेस होंगे, और उसी तरह 3 प्लस माइनस के बीच में 99% केसेस होगा, या 100% कहिए क्योंकि ये तो एस्टीमेट है और एस्टीमेट इज नेवर एग्जैक्ट, इट्स 99% केस, मतलब ऑल केसेस वुड बी बिटवीन 3 प्लस माइनस सिग्मा। तो ये जो स्कोर का आप डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं उसी तरह सैंपल का भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और उसी तरह सैंपल का जो है स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, जैसे स्कोर का स्टैंडर्ड डिविएशन होता है सैंपल के सभी मीन्स का भी स्टैंडर्ड डिविएशन होगा, और वो जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वही इनफैक्ट सैंपलिंग एरर है। सैंपलिंग एरर जो है वो सभी मीन्स का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मीन्स, दैट इज नॉन एज सैंपलिंग एरर, और सैंपलिंग एरर जो है इनएविटेबल है, इसको होना ही होना है, यू कांट चेक इट फुल्ली, इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। अगर आपने कई सैंपल्स ड्रॉ किया है तो जो सैंपलिंग प्रोसेस में, सैंपलिंग प्रोसेस आपका सही है, इट नेवर सेस योर, नेवर इंडिकेट्स दैट यू हैव ए रॉन्ग और इनकरेक्ट सैंपलिंग प्रोसेस। सही सैंपलिंग प्रोसेस होगा तब भी अलग अलग सैंपल्स के मीन अलग अलग होंगे और उसके उसमें थोड़ा बहुत अंतर होगा, एंड दैट इंडिकेट्स सैंपलिंग एरर, दैट इज ड्यू टू सैंपलिंग एरर, एंड दैट इज सैंपलिंग एरर ऑफ मीन। इसको हम आगे समझेंगे, अभी हमारे पास समय कम है, लेकिन फिर भी हम अभी हमारे पास हम 10-12 मिनट में बहुत कुछ कर लेंगे। देखिए सैंपलिंग एरर का कंप्यूटेशन किस तरह करेंगे, इसको किस तरह कंप्यूट करेंगे, ये फॉर्मूला आपके सामने है, दिस इज सैंपलिंग एरर इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन बाय रूट ओवर एन, एन इज पॉपुलेशन। अब देखिए एन एस क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल स्कोर्स, ये किसी स्कोर का जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। अगर मान लीजिए आपके पास 200 स्कोर्स है या 500 स्कोर्स है तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला आपने, और ये पॉपुलेशन है, साइज ऑफ द सैंपल, ये एन जो है, एन में इंडिविजुअल्स में बात कर रहा हूं कि उस सैंपल में जितने लोग हैं, दैट इज एन सैंपल साइज, और ये स्टैंडर्ड एरर है। तो ये इसका फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय रूट ओवर एन। अब एक चीज यहां पर देखिए कि इस केस में स्टैंडर्ड डेविएशन 12 है और सैंपल साइज 36 है, तो ये कितना हो गया, एरर कितना हो गया, 2 का सर, 2 हो गया, क्योंकि 12 आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है और 36 रूट ओवर बाय 36 रूट ओवर ये 6 हो गया और 2 हो गया, ये कैलकुलेट किया भी हुआ यहां पर। तो ये जो है सैंपलिंग एरर यहां पर 2 है। तो लेकिन इस फॉर्मूले को देखिए से एक चीज पता चलता है आपको, यहां पर आप देखिए अगर n को हम बढ़ाते जाए, सैंपल का साइज बढ़ाते जाए और बढ़ाते बढ़ाते पॉपुलेशन के बराबर कर दें, कहने इन्फिनिटी मीन्स पॉपुलेशन के बराबर अगर हो जाए तो उस हालत में देखिए कि एरर 0 हो जाता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पॉपुलेशन, अगर सैंपल के जगह पॉपुलेशन अगर ही हम ले लें तो सैंपलिंग एरर का की बात ही नहीं आती है। सैंपलिंग एरर की तब बात आती है जब सैंपल हम ड्रॉ करते हैं। तो इस फॉर्मूले में भी दिख रहा है अगर n हो जाए इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मीन्स इट इज इट इफ इट बिकम्स इक्वल टू पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन को हम जानते नहीं इसलिए इन्फिनिटी रखते हैं, तो इट्स कम्स जीरो। लेकिन अगर
सैंपल साइज हम छोटा कर दें, यहाँ 36 था अगर सैंपल एक का ही हम सैंपल लें, तो आप देखते हैं अगर एक का सैंपल लें तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर हो जाएगा सैंपलिंग एरर, सैंपलिंग एरर 12 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब कि अगर सैंपल का साइज बहुत छोटा हो तो सैंपलिंग एरर की गुंजाइश ज्यादा है, अगर सैंपल का साइज रिलेटिवली बड़ा हो तो सैंपलिंग एरर कम होगा। अब आगे आइए, जो बात हम कर रहे थे उस कॉन्सेप्ट को समझ लें। ये जो कंप्लीट लाइन है, ये कंप्लीट लाइन स्कोर का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है, और हमने कहा है कि जिस तरह स्कोर का डिस्ट्रीब्यूशन है जिस तरह स्कोर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है नॉर्मल पॉपुलेशन में, जिस तरह से लिए गए स्कोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसी तरह सैंपल मींस का भी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब यहां पर देखिए, ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स, और अभी हमने बताया कि स्कोर 216 से लेकर 144 तक फैला हुआ है, ये यहां से यहां तक इसका फैलाव है, ये डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर्स का है। 180 इसमें मीन है, इधर 192, स्टैंडर्ड डेविएशन 1+1 प्लस 2 204 प्लस 3 260, इधर 123 माइनस है 68, 156, 144। इस तस्वीर को, इस पिक्चर को आप देखिए, इस ग्राफ को आप देखिए, इस ग्राफ में दिखाया गया है स्कोर का डिस्ट्रीब्यूशन जो कि 216 से 144 है, और इसका फैलाव इतना है, आप देख रहे हैं ये यहां से यहां तक इसका फैलाव है। अब अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मींस, मान लीजिए हमारे पास जो है सैंपल मींस जो है उसका जो, जैसे यहां देखिए, यहां भी मीन, जो ये मीन जो है, ये मीन 180 है ये, और यहां भी मीन 180 है, ये मीन दोनों का एक ही है। सैंपल का जो मींस है, मीन ऑफ सैंपल मींस, ये 180 है, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है। अब यहां पर देखिए, ये जो है स्टैंडर्ड डेविएशन मीन का फैलाव, हमने कहा था मीन जो है वो पॉपुलेशन मीन के आसपास होता है, पॉपुलेशन का मीन हमको नहीं पता है क्योंकि हम पॉपुलेशन पर काम नहीं कर रहे, हम सैंपल पर काम कर रहे, और हमने एक ही पॉपुलेशन से ढेर सारा सैंपल निकाला है, और उस सारे सैंपल के मींस का मीन जो है 180 है, जिस तरह ये स्कोर का मीन 180 है। और यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 2 है, जिस तरह स्कोर का स्टैंडर्ड डेविएशन आप निकालते हैं उसी तरह सैंपल मींस को स्कोर मान करके उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है। अब देखिए, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 12 था स्कोर का, लेकिन जब सैंपल मींस की बात करते हैं तो यहां स्टैंडर्ड डेविएशन 2 हो गया, कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि जो 180 है पॉपुलेशन का मीन, उसी के इर्द गिर्द सभी सैंपल के मीन होंगे, जो 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 सैंपल मींस का जो मीन है, मतलब पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन मीन के बराबर होगा वो। तो जो मीन निकला है 180, सभी सैंपल्स के मीन का जो मीन है 180, और बाकी जो सैंपल्स हैं वो इसी के आसपास होंगे, बहुत दूर नहीं होगा, स्कोर की तरह फैलाव नहीं होगा कि 216 से 144 तक नहीं होगा। इसमें देखिए 186 से लेके 174 के बीच में सभी सैंपल मींस है, ये फैलाव कम हो गया क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल का है, यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस माइनस के 1 के बीच में 180 प्लस 2 182, 180 माइनस 2 178 से 182 के बीच में 68% मींस होंगे सैंपल के, 2 प्लस माइनस के बीच में 2 मींस 180 प्लस 4 184, 180 माइनस 4 176, 176 और 184 के बीच में 95% सैंपल मींस होगा, और उसी तरह 3 प्लस माइनस के बीच में 99% सैंपल मींस होगा।
जिस तरह स्कोर्स आप देख रहे हैं 3 प्लस माइनस के बीच में 216 से 144 तक का फैलाव है, यहां पर फैलाव बहुत कम हो गया 186 से 176, इन दिखाने के लिए थोड़ा ज्यादा स्पेस रखा है, इनफैक्ट ये फैलाव बहुत कम है इसके मुकाबले, ये देख रहे हैं आप। यस सर। बस इसमें समझने लायक कुछ नहीं है, मींस का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो जाहिर है कम होगा और मीन तो एक ही होगा। अब ये मीन के इर्द गिर्द का फैलाव देखिए, इसमें और इसमें बहुत ज्यादा, स्कोर में बहुत ज्यादा है, इसमें बहुत कम है, ये सभी जो है सैंपल जो 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 पॉपुलेशन मीन है उसी के आसपास है, सभी सैंपल के मींस का जो मीन है दैट इज पॉपुलेशन मीन, तो पॉपुलेशन मीन के इर्द गिर्द सबका फैलाव है, कहने का मतलब ये एकदम पॉपुलेशन मीन के आसपास ही है क्योंकि सभी मींस है, सभी सैंपल के मीन है और सैंपल सभी सैंपल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए उससे वो बहुत ज्यादा दूर हो नहीं सकता है, लेकिन स्कोर में तो किसी का स्कोर 0 भी हो सकता है, किसी को 100 भी हो सकता है, इसलिए ये फैलाव यहां से यहां तक होगा, लेकिन सभी स्टूडेंट्स का जब मीन निकाल लेंगे तो इस ढंग का फैलाव नहीं हो सकता है, तब फैलाव इस ढंग का होगा। ठीक है, अब ये देखिए ये है, ये बता रहा है कि अगर सैंपल आपका साइज बड़ा होगा तो एरर कम हो जाएगा, अगर सैंपल का साइज छोटा होगा तो एरर बढ़ जाएगा। अब एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन मीन, आप तो जानते हैं कि जैसे हमने कहा कि पॉपुलेशन मीन कोई नहीं जानता है, एक ऐसे ही एक टर्म है बहुत ही अप्रोप्रिएट, इट इज नॉन ओनली टू गॉड, केवल ऊपर वाले को मालूम है, कहने का मतलब पॉपुलेशन के मीन को हम निकालते ही नहीं है इसलिए हमको मालूम नहीं है, ऊपर वाले को मालूम होगा। पर्टिकुलर मीन कैलकुलेटेड फ्रॉम ए रेंडमली सेलेक्टेड सैंपल कैन बी रिलेटेड टू द पॉपुलेशन मीन इन द सेम वे एज इंडिविजुअल स्कोर इज रिलेटेड टू मीन, ये आपने देख लिया ऊपर, एक जो इंडिविजुअल स्कोर है उसका रिलेशनशिप मीन से जैसा है, अगर इंडिविजुअल स्कोर का रिलेशनशिप ये मीन से आप देख रहे हैं 180 मीन है और इंडिविजुअल स्कोर का रिलेशनशिप, उसी तरह इस मीन से सैंपल मीन्स का रिलेशनशिप है। और किस तरह इसको एस्टिमेट करेंगे, इस पॉपुलेशन मीन का जो एस्टिमेशन है वो भी आपने देख लिया। अब एक चीज आप देखिए, ये अभी हमने ये चर्चा की है कि वन स्टैंडर्ड डिविएशन प्लस माइनस के बीच में 68% केसेस होंगे, स्कोर के केस में भी, सैंपल मीन के केस में भी 1.9, इसी को हम 2 कहते हैं, नॉर्मली 2 कहते हैं लेकिन एग्जैक्ट फिगर है 1.96, 1.96 सिग्मा के बीच में 95% केसेस होंगे, स्कोर्स के भी सैंपल मीन के भी, और 2.58 जिसको हम नॉर्मली 3 कहते हैं, तो ये 2.58 सिग्मा के बीच में 99% केसेस होंगे, जाहिर है दोनों में से स्कोर के भी उसी तरह होंगे, सैंपल मीन के भी उसी तरह होंगे। द वैल्यू ऑफ ए पॉपुलेशन मीन कैन बी एस्टिमेटेड ऑन प्रोबेबिलिटी बेसिस, ये प्रोबेबिलिटी है और प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर हम जो है पॉपुलेशन मीन का वैल्यू जो एस्टिमेट कर सकते हैं, जो हमने बात कही है, जो व्हाट आई डिस्कस राइट नाउ दैट हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन दिस स्लाइड, सेम थिंग द एग्जांपल व्हाट आई डिस्कस शोइंग यू द ग्राफ, ऑल दोज थिंग्स हैव बीन समराइज्ड ओवर हियर एंड इट इज देयर ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। Now, the confidence interval. This confidence interval is not directly related right now. So, I will be taking it next day. I will start from here itself and then go for some other issues. Today, I have an engagement. I have to take one online examination. So, I will take leave of you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you.
स्टैट अच्छा लगेगा. थैंक यू आई थिंक यू वुड बी एंजॉयिंग रिसर्च मेथडोलॉजी. रिसर्च मेथडोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है प्रोवाइडेड यू मेक इट इंटरेस्टिंग. अगर मेथडोलॉजी में केवल आप न्यूमेरिकल वैल्यू स्टैटिस्टिक्स और उसको कैलकुलेशन सीखने का समय नहीं है. इट्स ऑलरेडी गॉन. इसकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि अब तो हमारे पास इतने सॉफ्टवेयर हैं कि हाउ टू कैलकुलेट टी टेस्ट इट इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट. इम्पॉर्टेंट ये है कि टी टेस्ट किन सिचुएशंस में एप्लीकेशन होगा, एफ टेस्ट का किन सिचुएशंस में एप्लीकेशन होगा, ये आप समझे. तो कॉन्सेप्चुअल और जो है कि बेसिकली जो जो सिचुएशन में डाइवर्सिटी है, जैसे सैम्पलिंग हम पढ़ लेते हैं कि भाई हम जो है कि कई तरह के सैंपल जानते हैं, रेंडम जानते हैं, स्ट्रेटिफाइड जानते हैं, जो जो पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक सॉरी प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी जिसमें कन्वीनियंस सैंपलिंग है, ये सारी चीजें हम जानते हैं. पर्पसिव सैंपलिंग है, ये अपने जगह सब सही है. लेकिन मान लीजिए कि कभी कभी होता है कि हम पॉपुलेशन को नहीं जानते हैं. एक रिसर्चर को पॉपुलेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए. अगर मान लीजिए एक बार हमने कभी डिस्कस किया भी होगा या नहीं किया होगा याद नहीं है आपके साथ, कि मान लीजिए पटना में 200 गारमेंट शॉप्स हैं. ये बेसिकली दिस इज ए कॉन्सेप्ट कि यू मस्ट नो द पॉपुलेशन. अगर आपको ये मालूम है 200 गारमेंट शॉप्स यहाँ पर हैं और 10 ऐसे गारमेंट शॉप्स हैं जो कि टोटल सेल का 80% वहीं से होता है, तो ये दो स्टेटा बन गया, एक लो सेलिंग शॉप्स और हाई सेलिंग शॉप्स. अगर आप रेंडम ही कर देंगे तो अगर ये 10 छूट गए तब तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा. द काइंड ऑफ डेटा यू विल गेट दैट इज यूजलेस. तो पॉपुलेशन को जानना बहुत जरूरी है. वी ट्राई टू नो कि किस तरह का पॉपुलेशन, इसके क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये सब कुछ जानना बहुत जरूरी है. अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वर्क. कभी कभी क्या करते हैं, बिना जाने भी हम काम करना शुरू कर देते हैं. जैसे हमने कहा कि अभी आप अगर साइंस सेंटर में जो लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, अब वहां तो पॉपुलेशन आइडेंटिफाइड ही नहीं, कौन आएगा नहीं आएगा. कन्वीनियंस के अलावा आपके पास दूसरा कोई उपाय ही नहीं है. आप उनके पास जाएंगे कि भाई जस्ट हमारा एक कुछ आपसे बात करना है या ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है, वो किसी और पर्पज से आया, आप उसमें लटक रहे हैं, तो जाहिर है कि उसमें 90% या 99% तो आपको पहले ट्रीट ही नहीं करेगा. आपको जो है सुनेगा, आपकी बात नहीं सुनेगा. फैमिली के साथ आया, कोई बच्चों के साथ आया, आप कहाँ लेकर के अपना गाना गाने लगे. तो आपको कन्विंस करना पड़ेगा, उसमें से कोई कोई कन्विंस होगा और फिर उससे आप बात कर सकते हैं, उनका इंटरव्यू ले सकते हैं या क्वेश्चनर भी भरने देंगे अगर बहुत ज्यादा आइटम्स है या कुछ डिस्क्रिप्टिव है, तो वो क्या करेगा, आधा अधूरा भर के चला जाएगा. तो इसलिए वहां पर जो है कि स्थिति अलग है. तो सैंपलिंग के साथ जो है कि वो ध्यान रखना चाहिए. और दूसरी बात यह है कि मैं इसी में कह देना चाहता हूँ कि जो 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 लोग डिसर्टेशन कर रहे हैं, हमारे साथ भी कुछ लोग हैं, तो अपना एक छोटा सा सिनॉप्सिस जमा कर दीजिए. होता है क्या, एक सिनॉप्सिस अगर आपका बहुत अच्छा नहीं भी है तो वी कैन, ये कोई ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन हो गया वो कभी बदलेगा नहीं, वहां भी बदलता है. हम उस टॉपिक को या उसके हिसाब से आगे में आगे उसको हम रिफॉर्म कर मॉडिफाई कर लेंगे. अभी जो है अभी आप उसको 2-4-5 पेज का जमा कोशिश कीजिए अच्छा बनाने का, क्योंकि हम लोग इस पर बहुत चर्चा कर चुके हैं. लेकिन जो भी हो पाता है यू सबमिट इट, क्योंकि अगर मान लीजिए कि सितंबर में एग्जाम वगैरह का होता है तो हम लोग रेडी रहे, क्योंकि ऑलरेडी आपका सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होगा, उसमें कुछ समय आपका जाएगा. देन यू विल हैव टू गो बैक, यू विल रिवाइज द सेकेंड सेमेस्टर सिलेबस एंड थिंग्स लाइक दैट. और मुझे लगता है एग्जाम के लिए चले जाना चाहिए, क्योंकि आगे कोई ऐसा सवाल नहीं खड़ा हो कि, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ कितने रैशनल लोग हैं, कल बोलेंगे अरे ये तो वही है जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है. अभी तो उछल उछल के कहेंगे ठीक है यू प्रमोटेड टू थर्ड सेमेस्टर, लेकिन लेटर ऑन जो कहेंगे आप ऐसे टाइप्ड हो जाएंगे. इसलिए उस एग्जाम के साथ कॉपरेट करके एग्जाम दे देना है, बल्कि इंसिस्ट, यू शुड इंसिस्ट ऑन द एग्जामिनेशन. वो 4 दिन लगेगा, 4-5 पेपर है, नथिंग रॉन्ग, बाकी तो आपका सब वो है प्रैक्टिकल है. तो क्योंकि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम आता है कि यहाँ पर जो है कि क्योंकि ढेर सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ कुछ नहीं हो रहा है, तो उसके साथ आपको फिर नहीं कंपेयर कर लिया जाए. अगर आप ब्रांड है तो वो ब्रांड के साथ दिखना भी चाहिए. चलिए थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू.